आपके साथ। जीडी गोयनका के उद्घाटन समारोह में आए बिहार के महामहिम राज्यपाल ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बिहार में शिक्षा स्तर पर चर्चा की, साथ ही साथ शिक्षा में उत्तीर्ण होकर देश का नाम कैसे रोशन किया जाए इस पर भी रोशनी डाली। आइए देखते हैं महामहिम राज्यपाल के संबोधन के कुछ अंश। हमारी यूनिवर्सिटियां बिल्कुल चौपट थी, आगे मैंने काफी टाइट किया और जब तक मैं रहूंगा जितना सुधार हो सकेगा करूंगा, क्योंकि बिहार एक वक्त पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता और आज बहुत खराब स्थिति। हमने आने के फौरन बाद कहा कि अपना आप तय करिए कैलेंडर, इस तारीख में इम्तहान होगा, इसमें दाखिला होगा, इसमें डिग्री दी जाएगी। तीन तीन साल लेट था, अब वो सख्ती के साथ होगा। तय कर दिया कि जिस विश्वविद्यालय में लड़कियों के लिए कॉमन रूम और टॉयलेट नहीं होगा उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज की लड़कियां बाथरूम के लिए 1.5 किलोमीटर जाती थी। मैंने कहा सबके यहाँ टॉयलेट होगी और उस पर एक लेडी सुपरवाइजर खड़ी रहेगी, क्योंकि टॉयलेट ही सबसे खतरनाक जगह है किसी छात्रा के लिए। पिछले एक महीने में देश में कुछ घटनाएं हुई। 2 तारीख को एक वर्ग के लोग सड़क पे निकल गए, जो हाथ लगा तोड़ते फोड़ते हिंसा करते चले गए। 12 तारीख को उनके रिएक्शन में जो लोग निकले वो यही काम करते चले गए। मैं उन दोनों वर्गों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि अज्ञान के काम मत करो, ज्ञान का काम करो। ये पता करो कि ये आरक्षण कहां से आया था, कैसे आया था, क्यों हुआ। अगर इस देश में दूसरी हरित क्रांति कहीं होनी है तो ये बिहार ही में होगी। आप इस तरफ ध्यान देंगे तो बिहार दूसरी क्रांति का केंद्र होगा। थोड़ा संजीदगी बरतो, अब तो मेडल ओलंपिक के भी, कॉमनवेल्थ के भी यही ला रही हैं, तो आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं। पढ़ाई के भी नहीं ला रहे हो तो अपना तय करो कि क्या करोगे। खाना बना नहीं सकते हो, लिहाजा थोड़ी मेहनत करो। और मेडल इनके कम से कम छात्राओं की बराबरी पे तो कम से कम आ जाओ, ताकि हमारे रिजल्ट और ऊपर बढ़ें।